सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। और आप जैसे बहादुर जवानों के कारण ही आज भारत दुनिया में एक सक्षम और समर्थ राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने की कुव्वत, ताकत आज भारत के अंदर है, और सारी दुनिया भी यह मानती है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप जैसे बहादुर जवानों को जाता है, और इसका श्रेय जाता है उन बहादुर जवानों को जाता है जिन्होंने भारत को एक सशक्त भारत बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है। और इस सेना भवन की आवश्यकता पिछले कई वर्षों से अनुभव की जा रही थी। आप सभी जानते हैं कि कई स्थानों पर सेना के कामकाज होते थे, लगभग मुझे जैसा बतलाया गया है कि 8 स्थान ऐसे थे जहां पर की कार्यालय चलते थे। 8 स्थानों पर कार्यालय होने के कारण स्वाभाविक रूप से वाहनों का आना जाना, और मुझे जो जानकारी दी गई कि लगभग 3000 से लेकर 4000 वाहनों का प्रतिदिन इन कार्यालयों तक आना जाना होता था। आप स्वयं ये कल्पना कर सकते हैं कि कितना पेट्रोल खर्च होता रहा होगा, सरकारी खजाने का कितना पैसा खर्च होता रहा होगा, इन सब सारी चीजों के बावजूद प्रदूषण भी बढ़ता रहा होगा। लेकिन नए सेना भवन के बन जाने के बाद मैं समझता हूं कि अब उन सब सारी चीजों से हमको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, और एक ही स्थान पर अधिकांश कार्यालय होंगे। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि अधिकांश अधिकारी और अधिकांश जवान यदि कहीं रहते हैं, जहां पर हमारा यह सेना मुख्यालय बन रहा है, इसके आसपास के क्षेत्रों में ही किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, मैं मानता हूं कि यदि कार्यालय आना होगा तो शायद अब वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकांश अधिकारी और अधिकांश जवान यह चाहेंगे कि मॉर्निंग वॉक करते करते हम अपने कार्यालय पहुंच जाए, अपने सेना भवन पहुंच जाए। तो एक प्रदूषण का जो संकट दिल्ली के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, उससे भी हम लोगों को निजात मिल जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। और कई प्रमुख कार्यालय, अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना है, वह भी यहीं से चलेगा। कई आपके प्रमुख कार्यालय जो इधर उधर बिखरे हैं, सब यहीं से चलेंगे। यानी जो हम ज्वाइंटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी आर्मी के अंदर तो ज्वाइंटनेस हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन आगे भी ज्वाइंटनेस की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सबको जानकारी है किसी ज्वाइंटनेस की बात को ध्यान में रखकर ही हमारे यहां CDF का एक नया पद सृजित किया गया, और जनरल बिपिन रावत को एक CDF के इस पद पर उनका चयन हुआ है, और आज वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर बहुत अधिक मेरे द्वारा कुछ कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। आज ये महाशिवरात्रि का पर्व है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हम भारतवासियों के लिए माना जाता है, और आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ही आज इस सेना भवन के मुख्यालय का शिलान्यास हो रहा है। तो इस शिलान्यास के लिए भी और महाशिवरात्रि के इस पर्व के लिए भी आप सभी बहादुर जवानों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई है कि जो हमारे प्रमुख धर्म हैं, उन प्रमुख धर्मों के सारे धर्मगुरु यहां पर उपस्थित थे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से इस शिलान्यास को बखूबी संपन्न कराने में जो भूमिका अदा की है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।